हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोनू मंत्री। आज हम हमारे लास्ट क्वेश्चन बाकी रह रहा था 16.1 एक्सरसाइज का, तो उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16.1 का है क्वेश्चन नंबर 12। द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, यानी क्यूबॉइड शेप दे रखा है। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, शेप है अपने पास क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशंस का रेशो दे रखा है, मतलब एल रेशो बी रेशो एच जो है अपने पास 5:3:2, 5:3:2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात आती है एल को क्या मान सकते हैं अपन, 5x, बी को क्या मान सकते हैं 3x, जिसका जितना रेशो उसको उसी के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है 5.58 cm². टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो 2 lb + bh + hl = 5.58। 2 को नीचे भेज देते हैं और एल और बी की वैल्यू पुट की जाएगी। एल कितना है 5x इंटू बी कितना है 3x प्लस बी 3x इंटू 2x प्लस एच 2x और वापस एल 5x, ये ब्रैकेट क्लोज, ये 2 यहां से डिवाइड में गए तो 5.58/2 हो गया, ठीक है ना। 5 × 3 = 15 x into x x square प्लस 3 × 2 = 6 x into x x square 2 × 5 = 10 x into x x square। डिवाइड करते हैं कितने आ रहे अपने पास, देखिए 2 2 जा फिर यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास 2 7 जा और 2 6 जा, ठीक है। टोटल कितने हो रहे हैं 15 + 10 हो गया अपने पास 25 + 6 = 31 x² = 276, ठीक है, और x² = 276/31, ठीक है। कट करना है तो 31 तो किसी के टेबल में आते नहीं है, 31 सेल्फ में आते हैं, तो ये कट हो रहे हैं। देखिए 31 के टेबल से 31 9 जा करके देख 6 जा करके देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे 9 आएंगे अपने पास, तो फिर कट होंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, ये 31 9 = 279, ठीक है। तो x² की वैल्यू क्या आ गई 9, तो x² 3 की 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो x की वैल्यू 3। ये x की वैल्यू आई है, l और b और h फाइंड करना पड़ेगा। अभी l कितने थे हमारे पास 5x, यानी कि 5 × 3 यानी कि 15 cm। b कितने हैं हमारे पास 3x यानी कि 3 × 3 यानी कि 9 cm। h कितने हैं 2 × x यानी कि 2 × 3 तो कितने हो जाएंगे 6 cm, ठीक है ना। फाइंड देयर एजेस, इनकी साइड से हमें फाइंड करनी थी, तो ये हो गए हमारी एक्सरसाइज ओवर, ठीक है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आती है जो एक्सरसाइज है 16.2। अब एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इसमें शेप कौन सा काम आ रहा है, वो शेप है सिलेंडर, और सिलेंडर किस शेप का होता है वो देखिए। सिलेंडर होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ठीक है, अब यहां पे ये तो होती है इसकी
रेडियस ऊपर वाला जो पार्टीशन होता है वो ढक्कन वाला पार्टीशन होता है, नीचे वाला जो है वो क्या है बेस, ये होती है इसकी हाइट, ठीक है ना। फिर आते हैं अपने पास बात कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अगर चारों तरफ वाले पार्टीशन काम ले रहे हैं तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया, जो होता है 2πRh, ठीक है। अगर ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस और ऊपर वाले ढक्कन वाले पार्टीशन को भी इंक्लूड कर लिया तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRh, ठीक है। फिर आते हैं बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, देखिए 16.2 का अपने पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 15। तो क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट है जो है 15 सेंटीमीटर, निकालना क्या है इसमें। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया, उससे पहले रेडियस की जरूरत पड़ेगी, रेडियस फाइंड कर लेते हैं। 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr r plus h, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7, r की 7 into 7 plus h है हमारे पास 15, 7 कैंसिल, ये हो गया 44, 15 into 7 करेंगे तो कितना मिलेंगे हमारे पास, देखिए 22, ठीक है। तो 44 into 22 मल्टीप्लाई करना है, हमारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। आगे निकालना है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 इंटू 7, एच हमारे पास 15, 7 से वापस 7 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं 154 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर दे रखा है और जिसकी रेडियस दे रही है 7, रेडियस दे रही है 3 और हाइट दे रही है 7, तो एच है हमारे पास 7 और आर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। आगे दे रखा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2πRh, 2 की वैल्यू 2, पाई के 22/7, आर है हमारे पास 3, एच है हमारे पास 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कराना इसको, 6 इंटू 22 हो गए, 2 3 जा 6 कर दिया मैंने पहले, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1, 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh, जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर सॉल्व करके बताया सेम प्रोसेस आपको लगानी है, ठीक है। तो सेम है इसलिए आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की 3 इंटू 3, एच है 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कराएं इसको, 22 इंटू 3 तो 66 हो जाएंगे, इंटू 3 198 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थ्री, द एरिया, ध्यान से देखिएगा, द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कुलर बेस का एरिया ले रखा है, ठीक है, तो सर्कुलर बेस यानी कि सर्कल के शेप का बेस है उसका एरिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है मतलब, ठीक है ना, तो वो क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का फॉर्मूला निकालने, एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 154, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22, 11 टू जा और ये कट जाएंगे 14 टाइम, ठीक है, फिर 2 1 जा ये 2 7 जा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आप लोगों को करनी है। इसके बाद है अपने पास हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है, आगे क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, सॉरी आर की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7 और ऐसे हमारे पास 21, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करवाना है इसको, तो 21 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, 2 462 इंटू 7, इसको से मल्टीप्लाई किया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, और क्या निकालना है इसमें, कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस एन जो क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7, आर की हमारे पास कितनी आ रही है 7, एच है हमारे पास 21, ठीक है, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 हमारे पास एजिटिज है, तो 21 को 22 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं अपने पास 462, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से, तो 4 2 एडी 1 2 4 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वापस एक बार जरूर पूछ लें, आज की क्लास इसी के साथ हमारी ओवर होती है, नेक्स्ट टॉपिक आगे वाली क्लास में डिस्कस किया जाएगा।